हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। सिलाई मशीन के इस शोर में न जाने कितनी सिसकियां और आहें दबी हुई हैं। जिंदगी के पहिए को रवादवा रखने के लिए अब इस पहिए का घूमना बहुत जरूरी है। यादों के सिलसिले को ताजगी बख्शने के लिए एक बूढ़े बाप का कब्रिस्तान की तरफ जाना कोई अनोखी बात नहीं। एक बहन जो मां की तरह शफीक थी, इनके अंदर अब उन लोगों ने ऐसी तलखी पैदा कर दी है जिसने इनके भाई को इनसे हमेशा के लिए जुदा किया और आंखों में जिंदगी भर के लिए आंसू दे दिए। ये तो इस घराने का तारुफ है। आइए अब अब्दुल बासित की बात करते हैं। ये मेरा बेटा है, शहीद अब्दुल बासित। अच्छे खासे मैकेनिक थे, पूरी घर की जिम्मेदारी इसके सर पे लगी थी। बच्चा मेरा बहुत ही प्यारा बच्चा था, ये बहुत ही मीठा। माँ बहन भाई सबकी इज्जत, मोहल्ले वालों की इज्जत, सब इससे खुश थे। पूरे मोहल्ला, बल्कि मोहल्ले से बाहर भी इससे खुश थे। इन्हीं दिनों में रमज़ान का महीना आया तो ये हादसा पेश आया, वो धमाके की आवाज़ आई तो मैं यहाँ से भाग के गया तो मैंने पता किया अब्दुल बासित कहाँ है। बोला उसको तो हमने देखा नहीं है, हमने सिर्फ ये देखा कि दो तीन बंदे उसको उठा के रिक्शे में डाल के ले गए। तो मैं समझ गया, मैं तो उसी वक्त ही बेहोश होके गिर गया। तो उसके बाद उसकी आकस्मिक में बापू उसको अपना के सब कुछ करके फिर यूसुफ साहब, नागौरी साहब, सानिया, उन दोनों में ये तो जेल में थे, शाहजान ये आए मेरे पास। मुझसे वादा किया गया कि आपके एक लड़के को हम नौकरी देंगे, आपको एक प्लाट देंगे। रमजानुल मुबारक की इन मुकद्दस सातों में जहां इबादत का लुत्फ बढ़ जाता है, वहां छोटे बच्चे ईद की आमद से पहले ही खुशियों के ख्वाब देखते हैं। अब्दुल बासित भी एक मेहनतकश बच्चा था जो अपने घर का वाहिद कफील था। जहाँ जहाँ भी कोई बच्चा अगर काम कर रहा है वहीं वहीं रियासत उसका जिम्मेदार है, बजाय इसके कि बच्चा वो तालीमी दरसगाह में होता, कोई इदारे में होता, आज वो किसी गैरेज में काम कर रहा है तो इसका जिम्मेदार रियासत है। बासित जो मैकेनिक था, वो मैकेनिक जिसे हम कहते हैं ना कि मैकेनिक को अक्सर कहा जाता है छोटे ये ले आओ छोटे वो ले आओ, असल में ये अपने घर के बड़े होते हैं, यही कमाते लाते हैं, यही घरों को चलाते हैं, यही घर के रोज़गार संभालते हैं। अपने बूढ़े वालदेन और इनको चलाने वाले यही बच्चे होते हैं। कार आओ अमिशक होता आवा काम काज यही लड़का किया करता था। मेरा एक बेटा शादीशुदा है और हमसे अलग रहता है। बासित की आमदन रोजाना 200 रुपए थी। आज बासित को दुनिया से रुखसत हुए 4 साल 8 माह 12 दिन हो गए। मुझे इसकी शहादत का वक्त, साल, दिन और लहमा तक याद है। उस रात चने की दाल के साथ आधी रोटी खाकर मुझसे सहरी में कस्टर्ड बनाने की फरमाइश की, फिर कहा सहरी के वक्त हमारा क्रिकेट मैच भी है, मैं खेल कर वापस आकर खा लूँगा। बस ये कहते ही वो घर से निकल गया। अब रात 2 या 2:30 बजे धमाका हुआ होगा और मेरी नींद इस कदर गहरी थी जैसे मलकुन मौत किसी को सुना दे। धमाका की आवाज़ मैंने पूछा ना नहीं कंचो मलकुन मुत मेरा जता भी तफी सारा। एक फुटबॉल का मैदान जो वीरान हो गया, बच्चे खून में नहला दिए गए, उनकी खुशियां छीन ली गईं।
میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹارگٹ تھا, کوئی اور بندہ ٹارگٹ تھا, فٹ بالر بیچارے تو نہیں تھے, فٹ بالروں کا کیا جھگڑا کسی کے ساتھ. لیکن چونکہ نقصان ہمارے بچوں کا ہوا, وہاں کافی بچے بیچارے شہید ہوئے, کافی بچے زخمی ہوئے, کافی فیملی زندہ درگور ہوئے. آج بھی وہ مائیں بیچاری پاگلوں کی طرح اپنے بچوں کو پکار رہی ہیں. تو ایسے بہت ہی یہ افسوسناک واقعہ تھا اور ہم اس کو کبھی نہیں بھول پائیں گے. آئیے 7 اگست 2013 کی رات لیاری میں ہونے والے خونی واقعے پر نظر ڈالتے ہیں, جس نے پل بھر میں فٹ بال کے میدان کو خون کا میدان بنا دیا. اگست 2013 بروز بدھ, جب کراچی کے علاقے بزنجو چوک پر فٹ بال میچ کے اختتام پر ہونے والے بم دھماکے میں 11 افراد شہید اور 27 سے زائد زخمی ہو گئے. لیاری کے علاقے جھٹ پٹ مارکیٹ کے قریب بزنجو چوک پر فٹ بال کا فائنل میچ ختم ہوا تھا اور جیتنے والی ٹیم ٹرافی اٹھائے جیت کا جشن منا رہی تھی کہ اچانک زوردار دھماکے سے پورا علاقہ گونج اٹھا اور پل بھر کی خوشیاں زندگی بھر کے غم میں بدل گئیں. دھماکے سے قریبی نالے پر کھڑی گاڑی چھت ٹوٹنے کے سبب نالے میں جا گری. فٹ بال میچ دیکھنے آئے لوگوں کی بڑی تعداد کو بم ذرات کے چھرے لگے, جنہیں سول اسپتال لیاری منتقل کیا گیا. دھماکے کے مقام پر صوبائی وزیر برائے کچی آبادی جاوید ناگوری کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچا, تاہم وہ محفوظ رہے. ایک موٹر سائیکل میں نصب بم کو ریموٹ کنٹرول سے اڑایا گیا تھا اور اس دھماکے میں تقریباً 6 کلوگرام بارودی مواد استعمال کیا گیا تھا. بزنجو چوک پہ میں ہی مہمان خصوصی تھا وہاں پر, اور جب یہ میچ ختم ہوا اور معصوم بچے تھے ہمارے لیاری کے, انعامات ہم نے وہاں پر تقسیم کیے. جب میں اپنی گاڑی پر پہنچا تو وہاں ایک دم دھماکہ ہوتا ہے, بعد میں پتہ پڑتا ہے کہ وہ 6 کلو وزنی دھماکہ تھا. یہ وہی عناصر ہیں جو لوگوں کو بندوق کے زور پر یرغمال کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک روایت چلی آ رہی ہے, یہ روایت ہے انتہا پسند مدد اپنے آپ کو مسلط کرتے ہیں ہمارے اوپر, اس طرح کے دہشت گرد ہیں اور اس طرح کے جو کرمنل لوگ ہیں, ہو سکتا ہے ان کا تعلق انہی لوگوں سے ہو کہ ملک کے اندر افراتفری پھیلے. اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ اس کے اندر بچے بھی شہید تھے. میں آپ کو وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے سما رہا ہے, چونکہ میں وہاں موجود تھا, میں نے وہ سارے منظر دیکھا ہے, وہ جو لیاری کے معصوم بچوں کے ساتھ ہوا ہے. یہ ایک سلسلہ, ایک کڑی ہے. یہاں کے افطاری کر رہے تھے ہم, یہاں کے بیٹا ہوا تھا کونے میں, سب ہم بیٹھے ہوئے تھے, افطاری کر رہا تھا. افطاری کے بعد وہ آ کے سب کو ایسے گور گور کے جیسے ایک ایک کر کے سب کو دیکھ رہا تھا, خاموش بالکل. تو پھر میرے ابو نے اسے بولا, افطاری کیوں نہیں کر رہے ہو؟ بولا بس سے میرا پیٹ بھر گیا. سب کو ایسے گور گور کے دیکھ رہا تھا ایک ایک کر کے. میں جیسے ہی گھر سے میں نکل رہی تھی تو پھر مجھے آواز لگائے, بولا ادی آپ جا رہے ہو, میرے لیے چپل لے کر آنا نا. تو پھر میں صرف یوں اسے دیکھ رہی تھی, وہ بھی مجھے دیکھ رہا تھا. تو پھر ایسے ہی میں مسکرا کے نکل گئی. ہم کرایہ کے مکان میں رہتے ہیں, 5000, پہلے 3000 دیتے تھے, ابھی 5000 روپے ہم دے رہے ہیں, ابھی ہم کہاں سے پورا کریں گے. شاہجہان کے پاس گیا تو شاہجہان نے مجھے یہ کہا کہ آپ میرے پاس آتے جاتے رہیں گے, اگر ہوگی تو ہم آپ کو نوکری دے دیں گے. ثانیہ کے پاس میں یہ پروف کے ساتھ گیا, وہ کہا کہ فارم وغیرہ لے آؤ, ایف آر سی وغیرہ, ڈومیسائل سب اٹیچ کر کے لے آؤ. میں گیا ان کے پاس, 3 چکرے میں نے ثانیہ کے پاس لگائے, پھر چوتھی چکر میں بولا یہ فارم تو نہیں ہے, فارم کوئی اور ہے, وہ جا کے وہاں سے لے آؤ. میں وہاں گیا, بولا ان فارموں کے علاوہ تو کوئی اور فارم نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ ثانیہ نے الگ سے وہ فارم بنائے ہوئے ہوں. پھر اس کے بعد میرا دل ہی ٹوٹ گیا ان کے پاس جانے سے. نبیل کے پاس جا کے میں نے ملاقات کیا, نبیل نے بولا میرے ہاتھ میں تو ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے, میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں, اگر میرے ہاتھ میں پاور ہوتا پہلا کام میں آپ کا کرتا. جاوید ناگوری ہے, وہ تو مجھے یہی کہا کہ آپ ہمارے ہلکے سے نہیں ہیں, میرا یہ تو 108 ہے, آپ تو 109 کے ہیں, آپ ثانیہ سے بات کریں. ہم بولا آپ سب ایک ہی تالی کے چٹے کٹے ہو. آج بھی ان گھروں میں ماتم ہے, ان ماؤں سے پوچھیں تو میرے خیال میں لفظوں کے بجائے آنسو ہی آپ کو ملیں گے ان کی آنکھوں سے بہتے ہوئے. ہم وزیر بلدیات سے ریکویسٹ کرتا ہوں, یہ مافیا سے ہمارا جان چڑھا, بچوں کے لیے رحم کرو. ایم پی اے, ایم این اے, یہ پہلے اپنا سوچتے ہیں,
बाद में दूसरों का सोचते हैं। मुझे अफसोस इसी बात का है कि मेरे भाई ने मुझसे एक ही ख्वाहिश की, वो भी उसकी पूरी नहीं हुई। गैराज में काम करने वाला मासूम बासित अली उर्फ छोटा अपने घर का बड़ा था। वक्त से पहले ही उन्होंने बच्चों को दुनिया से रुखसत कर दिया। आखिर बच्चों का क्या कसूर था? अभी तो मासूमों ने दुनिया में कुछ देखा ना था। इन जालिमों ने बासित को मौत दे दी। मेरी हर नमाज में अल्लाह से बस यही दुआ है कि अगर ये जालिम मौत भी मांगे तो इनको ना मिले, मौत से बदतर जिंदगी मिले। दूसरी तरफ हुकूमत हमारे लिए कुछ नहीं करती सिवाय हमें तमाशा बनाने के। रोज कोई ना कोई हमें लालच देने के लिए हमारे घर का रुख करता है। कुछ नहीं मांगते हम, बस मेरे बेटे के लिए नौकरी का इंतजाम हो जाए। मामी गोशे देखिए अच्छी भी मकान में चौका एक नौकरी काली भी दिए। वो सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वो एक आने वाली कौम थी, एक नस्ल को आगे बढ़ाने वाला एक फर्द था। और फिर वो फुटबॉल के जरिए जो तरक्की चाहता था, और फुटबॉल में अपनी ज़ात की तरक्की नहीं, अपने इलाके की नुमाइंदगी, अपने शहर और अपने मुल्क की नुमाइंदगी करना चाहता था, तो वो सारे रास्ते रोक दिए गए। आज भी उन घरों में मातम है। उन माओं से पूछें तो मेरे ख्याल में लफ्ज़ों के बजाय आंसू ही आपको मिलेंगे उनकी आँखों से बहते हुए। बजंजो चौक लियारी में किया जाने वाला धमाका न जाने कितने लोगों की हसरतों को मिट्टी मिट्टी कर गया। धमाका एक गाड़ी पर हुआ, मतलब गाड़ी वो शख्स को टारगेट किया हुआ धमाका किया ही गया। सोचे समझे, ये पहले इसका नाम था इसाक गुरुन। इसाक गुरुन हम लोग ने 100-200 टूर्नामेंटे चलाए इधर। बजंजो चौक के इस मैदान को बाकायदा तौर पर खेल का मैदान बनाने के सिलसिले में इंतजामिया को एक मुश्किल दरपेश है। दो दुकानें ये हैं, हम मुस्लिमों को मुआवजा भी दे रहे हैं, मगर ये मुआवजा इतना मांग रहे हैं, हम लोग का पहुंच से बाहर है। ये ग्राउंड के लिए बड़ा रुकावट है। हम लोग ने इस लोग को 3-3, 4-4 लाख रुपए का ऑफर किए, इतना चीज भी नहीं है, फिर भी हम लोग दे रहे हैं इंसानी हमदर्दी मोहल्लेदारी के लिए। ये बंदा एक बंदा है, उसका दुकान है, बोलता है मेरे को डिफेंस में एक दुकान दे दो। हम वजीर बल्दियात से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये माफिया से हमारा जान छुड़ाओ, बच्चों के लिए रहम करो, ये ग्राउंड का काम जल्द से जल्द हम लोग स्टार्ट करेंगे। बरसों से एक रवायत चली आ रही है स्ट्रीट फुटबॉल की, स्ट्रीट क्रिकेट या दूसरे भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है ना वो स्केटिंग भी होती है, तो बीच सड़क में गाड़ियों में, तो इसकी बड़ी सबब ये है कि यहाँ हमें वो सहूलियत दरकार नहीं है जो ग्राउंड और पार्क्स में होते हैं, तो इसीलिए हम रोडों पर खेलते हैं। दहशतगर्दी की नज़र होने वाले बच्चों के वालिदैन इंसाफ के लिए हुकूमत की तरफ देखते हैं। ये बरसाती मेंढक हैं, ये आते हैं वादा करते हैं, वादा करने के बाद ये मुकर जाते हैं, किसी का काम करते नहीं हैं। ये उनका काम करते हैं जो इनके बराबर में हैं, इनके साथ घूमते हैं फिरते हैं, इनके बच्चों का काम करते हैं, हमारे जैसे लोगों को ये पूछते नहीं हैं। मगर ये MPA MNA ये पहले अपना सोचते हैं, बाद में दूसरों का सोचते हैं। दहशतगर्दी फैलाने वालों को बच्चों पर भी तरस नहीं आता। इतना खौफ आता है कि अगर हम ये सोचते भी, इमेजिन भी करते हैं कि बच्चा पड़ा हुआ है, शहीद हो गया, और यहाँ फुटबॉल का मैच, एक बड़ा खूबसूरत सा समा था, खेल गेम खुशियाँ ट्रॉफी फूल, बड़ा हल्ला गुल्ला सा था, और अचानक से बम धमाका हो जाए और उसमें शहीद होने वाले वही फुटबॉलर बच्चे हों, आप कहें कि वो कलेजा मुँह में आ जाने वाली बात है। रात को 2 बजे मेरे भाई का फ़ोन आया, वो फ़ोन कर रहा था, मैं ऐसी गहरी नींद में थी तो मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो फिर अचानक से मेरी आँख खुल गई तो फिर मेरे भाई ने बोला मैं कब से फ़ोन लगा रहा हूँ आपका, फ़ोन नहीं उठा रही हूँ। मैंने बोला पता नहीं, मैं तो जब से आई हूँ मुझे ऐसी नींद लगी है, अभी आपने फ़ोन किए मैं उठाऊँ, तो फिर फ़ोन किया, बोला आप आ जाना जल्दी, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। तो फिर मैं हैरान हो गई, क्या हुआ है? बोला कुछ भी नहीं, बस मैं आपको लेने आ रहा हूँ। तो फिर बासित को यहाँ धमाका हुआ है, बासित के पाँव में लगा है। तो फिर मैं सुन हो गई, मेरे बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जो बासित के पाँव में लगा है आप मुझे लेने आ रहे हो। बोले नहीं कुछ भी नहीं हुआ, परेशान नहीं होना। मैं वो बात उसकी ख़त्म ही नहीं हुई, तो फिर ऐसे जैसे मेरे दिल में वो दर्द उठा, मैंने बोले नहीं कुछ तो ज़रूर हुआ है। तो फिर मेरे भाई के आने से पहले मैंने ऐसे पागलों की तरह मैं वहाँ से निकली,
तो फिर मैं ऐसे दिल में दुआएं कर रही थी, रोए रह जा रही थी, अल्लाह से फरियाद कर रही थी, अल्लाह पाक मेरे भाई को कुछ नहीं हो, अल्लाह पाक मेरे भाई को कुछ नहीं हो, मेरे भाई को कुछ नहीं। रमजान अल मुबारक की मुकद्दस सातों में शरंगेजी करने वाले ये लोग कौन थे? मेरी बहू ने अचानक आकर चीखना शुरू कर दिया कि अम्मा बासित नहीं मिल रहा। सहरी के वक्त तो दुनिया जाग रही थी। जल्दी से बासित के वालिद बाहर गए तो इनको बताया गया कि वो धमाके में जख्मी है, पैर में चोटें आई हैं। इनको भी अस्पताल लेकर गए। मैं पूछती हूँ, आखिर इन जालिमों से मासूम बच्चों की क्या दुश्मनी थी? बासित की मुख्तसर जिंदगी का एक एक लम्हा मुझे याद है। क्या बताऊं कि मेरे बेटे के नए कपड़े बनाने का अरमान चूर चूर हो गया। मेरे बासित को इन जालिमों ने बेखता मार डाला। खून खार जानवर जब जंगल से शहर की तरफ आता है तो उसे अपने पेट भरने के लिए कुछ भी खुराक में मिल जाए वो अड़प कर जाता है। कुछ मामला इसी मिसदाक है। यकीनन जिनको टारगेट करना था मेरे ख्याल में वो ज़्यादा इजी सॉफ्ट टारगेट हो सकते थे, लेकिन शायद एक सिर्फ फ़र्द वाहिद को टारगेट करना मकसद भी नहीं था। मकसद शायद ये था कि जी लोगों में खौफ और आस फैलाना और लोगों को इतना खौफ ज़दा करना कि लोग उनके मातहत हो जाएं और उस खौफ और डर से तरक्की और प्रोग्रेस, तालीम और खेल कूद, उससे वो इजतनाब करें और अपना रास्ता बदल दें। उस सारे सियासी और समाजी और तालीमी मैदान में जो आगे की तरफ उनका सफ़र था, उस सब को रोकने के लिए ये एक सोची समझी साजिश थी। आखिर ईद की खुशियों ने इस घर का रास्ता क्यों नहीं देखा? ये ब्लास्टिंग का आवाज़ सुन के इतनी ज़ोरदार धमाका था, ये धमाके की आवाज़ गार्डन तक भी गया हुआ था। वहाँ मेरे दोस्त ने मुझे बोला ये बोला हाँ मेरा बेटा भी शहीद हो गया। आखिरी बात मुझसे मैंने उससे ये कहा कि बेटा नहीं अबा मैं जा रहा हूँ फुटबॉल मैच देखने, आज पैनल है, आज पैनल है, मैं पैनल देखने जाऊँगा। जैसा अल्लाह ने मेरे जवान को ही ताला लगा दिया, मैंने सिर्फ इतना कहा जाओ मगर ख्यालदारी से जल्दी आ जाना, इतना मैंने उससे कहा। जो अफसोस इसी बात का है कि मेरे भाई ने मुझसे एक ही ख्वाहिश की, वो भी उसकी पूरी नहीं हुई। ये इंसान के कोर में ये डगेड़िए हैं, ये इंसानों को नोचने वाले हैं। जहाँ उनको दो पैसे मिलते हैं जाओ वहाँ पे धमाका करो, ये जाके धमाका करते हैं। हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे जो लोग हैं उनको हिदायत दे, अगर हिदायत इनके नसीब में नहीं है तो इनको नेस्तो नाबूद कर दे। रमजान अल मुबारक की इन बाबरकत सातों में आप सहर अफ्तार का एहतमाम कर रहे हैं, वहाँ इन मुतासरीन को भी ना भूलें जिनकी खुशियाँ नन्हे बच्चों के बगैर अधूरी हैं। अब्दुल बासित, हम तुम्हें याद करते हैं।